एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आसमान में भी छेद हो जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान की टीम कुछ इसी कहावत के आधार पर वर्ल्ड कप में अपना प्रदर्शन कर रही है। जिस टीम को ये कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है, अब वही टीम अपना प्रदर्शन करके सभी को चौंका रही है। आज हम चर्चा करेंगे हर्षित से। हर्षित, वाकई में पाकिस्तान एक बार फिर कमबैक किया है शानदार तरीके से। ये बात आपने सही कही अमरदीप, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा सभी दर्शकों को, पत्थर मत उछालिएगा हवा में, आप ही के सिर पे लगेगा। सो डोंट ट्राई दीज स्टंट्स एट होम। जी वो तो अगर पाकिस्तान जी, मैं समझ रहा हूँ, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, मजाक बना देते हैं कभी कभी क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये टीम कब क्या कर गुजरती है किसी को नहीं पता। ये इनका आज क्या हुआ, मतलब ये एक ऐसी टीम है भैया, इंग्लैंड को हरा देगी, फिर इंडिया से बहुत बुरे तरीके से हार जाएगी, फिर पता चलेगा कि कोई मैच में वॉश आउट हो जाएगा इनके। बिल्कुल। लेकिन अब ये भी कुछ अब सरप्राइज मत होएगा अगर अफगानिस्तान से ये टीम हार भी जाए। इस टीम ने कब क्या कर देना है, हम बैठ के जितना इस पे एनालिसिस कर ले, आकलन कर ले, वो सब बेकार है। लेकिन एक बात तो तय है, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के, दे हैव बीन मेड टू ईट देयर वर्ड्स, जिस तरह से टीम का प्रदर्शन रहा है। और अब तो मुझे लग रहा है कि रास्ता साफ है, आखिरी दो मैचेस में जीत हासिल करनी है। टीम विल बी थ्रू। टफ मैच पाकिस्तान के दो ही थे, एक न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका से, दोनों को ही टीम ने शानदार तरीके से जीत लिया है। हाँ, आपने सही कहा, क्या पता अफगानिस्तान से हार जाए। बांग्लादेश की भी टीम है, लेकिन उसको हमें कमजोर नहीं आंकना चाहिए हर्षित। हाँ वो तो है, बांग्लादेश ने अभी 7 मैचेस में 7 पॉइंट्स अपने खड़े किए हुए हैं, दिखा दिया है कि वो पहले वाले बांग्लादेशी साइड नहीं है, विच कैन बी रोल्ड ओवर इजिली। सो दे विल बी अ टीम दैट विल पुट अप अ फाइट, बट स्टिल गिवन द काइंड ऑफ फॉर्म दैट पाकिस्तान इज इन, आई विल बैक देम टू विन अगेंस्ट बांग्लादेश। चलिए हर्षित, देखिए पाकिस्तान अब अगले मैचों में क्या करेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक्सपर्ट हैं और देख रहे हैं हम सोशल मीडिया में, वहाँ के फैंस सब कर रहे हैं कि 92 विश्व कप वाला इतिहास क्या पाकिस्तान फिर दोहरा सकता है, क्योंकि इस बार भी कुछ वही कहानी टीम दोहरा रही है जो 1992 विश्व कप में हुई थी। पहला मैच टीम वहां हार जाती है, उसके बाद टीम एक मैच जीतती है, फिर वॉश आउट हो जाता है, वॉश आउट होता है, फिर बैक टू बैक, मतलब टीम हार जाती है, फिर बैक टू बैक जीत जाते हैं। तो 7 टाइम्स जो वहां का और इधर मिलाए तो देयर इज नो डिफरेंस, सब कुछ सेम नजर आ रहा है। और पता है अमरदीप, एक फन फैक्ट ये, उस समय भी जो आसिफ अली जरदारी साहब है उस समय जेल में थे, अभी भी जेल में है। तो बहुत सारी चीजें, तो देखिए जेल में है, कब छूट, मतलब बहुत सारी चीजें जो है ना वो बिल्कुल 1992 के तरह शो रहे हैं जेल में भी पाकिस्तान की टीम के प्रदर्शन। और पता है 7वें मैच में उस बार भी न्यूजीलैंड को ही इस टीम ने हराया था, इस बार भी हराया है। उस बार भी न्यूजीलैंड की टीम अनबीटन थी अंटिल दे लॉस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड दैट हैज बीन द केस दिस टाइम अराउंड एज वेल। पिछले बार भी जो 6th मैच हुआ था उसमें एक लेफ्ट हैंडर मैन ऑफ द मैच था, इस बार भी वैसा ही हुआ। बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं मरदीप, बस एक ही अंतर है कि इस बार इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, एक चीज आप ये भी देखिए, उस बार 1992 में जो इमरान खान ने टीम को जीत दिलवाई थी, इस समय देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तो मतलब बहुत कुछ है जो एक कहते हैं ना कि ओमेन, गुड ओमेन, कुछ संकेत मिल रहे हैं कि कुछ वैसा हो सकता है। संकेत तो मिल रहे हैं, बाकी क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का ही खेल है, हर प्रेडिक्शन इसमें फेल है, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन तब भी जो भी कही है मरदीप, कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी तारीफ करना बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल, बाबर आजम बहुत शानदार फॉर्म में दिखे, 3000 रन हर्षित उन्होंने पूरे किए, दूसरे ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने तेज रन बनाए 2-3 हजार अपने हाशिम अमला के बाद, और कल उन्होंने सेंचुरी जो खेली, और आसिफ अली की भी हमें तारीफ करनी चाहिए, दोनों की जो पार्टनरशिप बिल्ट हुई उसने जीत की आधारशिला रखी। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा मनदीप, और मेरा तो ये मानना है कि अभी तक बाबर और आमिर जो है इनके बलबूते टीम ने जो जीते हैं मैचेस, और हारिस सोहेल इनकी भी बहुत तारीफ करनी होगी, और सरफराज भैया कहाँ छुपा रखा था इस प्लेयर को, बेचारे पिस रहे थे शोएब मलिक की, आप ये उसमें। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, और देखिए आते ही 2 मैचेस में क्या इम्पैक्ट उन्होंने अपना दिखाया है, और एक तरह से कह रहे हैं भैया मुझे तुम खिलाओ, छुपा के मत रखो। बिल्कुल, यंग प्लेयर है और देख रहे हैं पाकिस्तान के यंग प्लेयर्स कैसा कर रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, फकर जमन चाहे हो या इमाम उलक हो, इनको प्रदर्शन बेहतर करना होगा। देखिए अगर नीचे आपके दो एक अच्छे बैट्समैन रन बना रहे हैं, अगर फकर और क्या बोलते हैं आप हारिस ले लें, बाबर को ले लें, अगर फकर और ये इमाम उलक अगर ये फॉर्म में लौट आते हैं तो टीम के लिए बहुत बड़ा एक्स फैक्टर होगा, प्लस पॉइंट होगा। इससे क्या होगा, टीम की बल्लेबाजी और मजबूत हो जाएगी, बाकी टीम की गेंदबाजी तो ठीक है।
हाँ मोहम्मद आमिर ने बहुत शाही शाह अफरीदी ड्रॉप किए गए इससे पहले मैच में, लेकिन कल उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की। मैं तो अमरदीप आपको कह रहा था, आप कह रहे थे कि एक युवा गेंदबाज को जगह देने के लिए, लेकिन मैंने कहा इस युवा गेंदबाज शाहीन अफरीदी को हसनैन की जगह जगह मिले। हो सकता है साबित हो जाए उन कंडीशन में, क्योंकि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार गेंदबाजी कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा जो क्या बोलते हैं शाहीन शाह अफरीदी, जब मैच शुरू हुआ तो वसीम अकरम ने कुछ टिप्स भी दे रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। अच्छा ये तो अमरदीप एक रनिंग जोक है, कोई भी बॉलर अच्छी गेंदबाजी करता है तो वसीम अकरम साहब उन्हें सुबह जरूर टिप्स दे रहे हैं। हां देख, नहीं नहीं वो तो इसकी सच्चाई क्या है अब बोलो। मैच के पहले देखा होगा आपने कुछ विजुअल्स ऐसे थे, मतलब टिप्स तो बहुत सारे मैचेस में देते हैं, हर मैच में सिक्का नहीं लेकिन चलता है। लेकिन अच्छा प्रदर्शन किया शादाब ने, अच्छा प्रदर्शन किया, तारीफ की जाए टीम की उतनी कम है। लेकिन हां मोहम्मद हफीज क्या अमरदीप इनकी परेशानी है, फाइव टाइमर्स को क्यों आउट होते हैं? हफीज को क्या बताऊं हर्षित, लय में तो जबरदस्त रहते हैं, शॉट्स क्या खेलते हैं, शॉट्स तो बहुत अच्छे खेलते हैं, लेकिन उनको पता नहीं क्या हो जाता है, अपनी पारी को लंबा ही नहीं खींच पा रहे हैं, आउट हो जाते हैं। और आउट भी कैसे होते हैं, कभी मार्कराम को, कभी फिंच को, कभी केन विलियमसन को, मतलब आउट होने के लिए कैच देते हैं जैसे फील्डर वहां फिक्स लगे हैं। हां मतलब क्या, जितना इनकी बात की जाए कम उतना ही बेहतर होगा। लेकिन तब भी बहुत अच्छा प्रदर्शन, देखना होगा कि वहाब रियाज का प्रदर्शन कैसा रहता है, थोड़े हिट एंड मिस रहे हैं अभी तक। मोहम्मद आमिर ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, अफरीदी ने साथ दिया बल्लेबाजी में, जब से बाबर को हारिस का साथ मिला है पाकिस्तान के तो बल्ले बल्ले हो गए हैं। तो फैंस आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या ये पाकिस्तान की टीम 1992 की तरह इस बार भी वर्ल्ड कप में पहले जीत तो हासिल करना बहुत अभी दूर की बात है, सेमीफाइनल तक पहुंच पाएगी 92 की तरह? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, मैं था हर्षित और मेरे साथ थे अमरदीप श्रीवास्तव। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो।